बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंप्यूटानिक स्टोर। आज हम आपके लिए कोर i3 11 जनरेशन लैपटॉप लेकर आए हैं। HP में नोटबुक्स हैं, तीनों 15 इंच में हैं और 28 लैपटॉप्स की हमने अनबॉक्सिंग की है, लेकिन हम वीडियो शॉर्ट होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते तीनों को। आज हम शॉर्ट रिव्यू करेंगे और आपको शेप्स वगैरह दिखाएंगे और इनकी जो है ना स्पेक्स बताएंगे। फर्स्ट जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, Core i3 11th generation है और इसमें मॉडल है FQ2555 और ये जितने भी लैपटॉप्स हैं ये सब 1.3 1.7 से लेके अप टू 4.1 GHz तक टर्बो बूस्ट प्रोसेसर हैं। 2 कोर्स है, 4 थ्रेड्स हैं और 6 MB कैशे है। तमाम लैपटॉप्स 15.6 इंच डिस्प्ले में हैं और इसमें सब में HD डिस्प्ले आता है। 720 माइक्रो एज एंटी ग्लेयर है। तमाम लैपटॉप में जो है ना वो पोर्ट्स भी सेम ही हैं। 1 सुपर स्पीड USB टाइप सी है और 2 जो है ना इसमें USB 3.0 जेन 1 है और एक HDMI इसमें पोर्ट्स है और एक ऑडियो जैक है, कार्ड रीडर है इसमें सपोर्टेड है। और सब लैपटॉप्स में बैक लाइट नहीं है। बहुत रेयर मॉडल्स आते हैं i3 में जिनमें बैक लाइट्स होती है। कैमरा रेजोल्यूशन जो है वो सब की 720 HD के साथ ही आता है और रिजल्ट वाइज बेहतर होता है। कुछ मॉडल्स हैं जिनमें 4 GB रैम और 1 TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है और विंडो के साथ हैं। कुछ मॉडल्स हैं जिनमें 4 GB रैम, 256 GB SSD लगी हुई है और विदाउट विंडो हैं। कुछ मॉडल्स हैं जो 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ हैं और विंडो के साथ हैं। कुछ मॉडल्स 4 GB 1 TB और विंडो के साथ हैं। मुख्तलिफ स्पेक्स हैं और मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जिनमें मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं और मुख्तलिफ स्पेक्स होती हैं और स्पेसिफिकेशन जो है ना वो बेसिक जो बेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो सब में सेम ही होती है। स्पेक्स का फ़र्क होता है और शेप का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है। अब ये क्रोकोडाइल बॉडी के साथ आया ब्लैक कलर में i3 11th generation, सेम स्पेक्स। तमाम लैपटॉप्स का जो वेट है वो 1.70 kg, 1.75 kg, इतना सब ज़्यादातर जितने भी लैपटॉप्स हैं उनका वेट सेम है, जिनमें चाहे हार्ड ड्राइव लगी है या SSD लगी है, कोई इतना फ़र्क नहीं है वेट में। सिल्वर कलर में जितने भी लैपटॉप्स हैं जो एस सीरीज़ हैं वो सब सेम शेप्स और सेम पोर्ट्स के साथ आती हैं, चाहे वो 10th generation है चाहे वो 11th generation है। सिर्फ ग्राफिक्स का और प्रोसेसर का फ़र्क होता है। SSD जो नई टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 10 times फास्टर होती है। और एक बात जो बहुत अहम है, जो हार्ड ड्राइव जिनको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है वो हार्ड ड्राइव वाले मॉडल्स दें, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो जिनमें लैपटॉप्स में लगी होती है उनमें आप दो SSD की स्लॉट्स भी साथ लगा सकते हैं। SSD की स्लॉट होती है, SSD लगा सकते हैं, लेकिन जो SSD के साथ मॉडल्स आए हैं उनमें हार्ड ड्राइव की स्लॉट नहीं होती। तो ज़्यादा डाटा जिनको चाहिए होता है वो हार्ड ड्राइव वाले मॉडल जो है ना लें, बाद में उनमें SSD लगवा लें। और जिनको इतना डाटा की ज़रूरत नहीं है वो आप साथ जो है ना SSD वाले ले लें, क्योंकि SSD नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 10 times फास्टर होती है। प्राइसेस जो सब लैपटॉप की स्टार्ट ले रही हैं, i3 11th generation 77,500 से स्टार्ट ले रही है, फिर 86,000-90,000 तक i3 11th gen जा रही है प्राइस। मुख्तलिफ स्पेक्स हैं और मुख्तलिफ जो है ना वो प्राइसेस हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, रब्ता करें, आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। जज़ाकअल्लाह।